ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर कन्वर्जन। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने नंबर ले लिया 3, 4, 5 और इसका बेस 8 है। इसी से हमें पता चला कि ये ऑक्टल नंबर है। हमें कन्वर्ट करना है इसे डेसिमल नंबर में, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के साथ आपके पास 10 नंबर बेस में दिख रहा है और 10 नंबर आपका डेसिमल नंबर सिस्टम का होता है। अब सबसे पहले इन तीनों नंबर को, यानी कि 3, 4, 5, यानी तीनों डिजिट्स को आप ऐसे ही लिख दीजिए एक्सपेंड करके, और राइट टू लेफ्ट पावर लगाना स्टार्ट कीजिए 0, 1, 2। ये जाएगा राइट टू लेफ्ट। उसके बाद हम इसकी इसके बेस से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि हमने इसे इसी तरह लिख दिया, पहले 5, फिर 4 और फिर 3। बेस 8 था ऑक्टल का, तो इनटू हमने 8 ही किया है, और जो पावर थी वो हमने लगाने स्टार्ट कर दी 0, 1, 2। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ये हम सब जानते हैं। हमने 8 की पावर 0 लिखी, यानी 1 हो गया, और 1 की मल्टीप्लाई 5 से कर दी तो ये आ गया 5। 8 की पावर 1 मल्टीप्लाई कर दी 4 से, ये आ गया 32। 8 की पावर 2 इंटू 3 आ गया 192। टोटल कर दिया इन तीनों नंबर का तो ये आपके पास आ जाएगा 229, 229। तो आपका आंसर हो गया 229 का बेस 10, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम हो जाएगा इसका, डेसिमल नंबर सिस्टम हो जाएगा 229, 345 ऑक्टल नंबर का। एक और एग्जांपल से हम इसे क्लियर करते हैं। इस बार हमने नंबर ले लिया 317, इसका बेस 8 है, यानी कि ये ऑक्टल नंबर है, और हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में, क्योंकि इसका बेस हमने 10 रखा है। आप इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपने 317 को एक्सपेंड कर लिया, गैप में लिख दिया और पावर लगाना स्टार्ट किया, पहले 0, फिर 1 और फिर 2। अब फिर से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ये राइट टू लेफ्ट लिखने का प्रोसेस है। आपने 7 की मल्टीप्लाई कर दी 8 की पावर 0, जो हमने ये पावर लगाई है 0, 1, 2, ये इसके बेस की पावर होगी, तो 8 की पावर 0 रख दी, फिर 8 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर 2 थी, ठीक है। तो इस तरह से 0, 1, 2, 0, 1, 2 हमने इसकी पावर लगा दी। अब 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 0 से, यानी कि 8 की पावर 0 हो जाएगी 1, तो 1 × 7 हो जाएगा आपके पास 7, 1 × 8 की पावर 1 ये हो जाएगा 8, 3 × 8 की पावर 2 ये हो जाएगा 192। टोटल आपके पास आ जाएगा 207, 207। तो 317 ऑक्टल नंबर का डेसिमल नंबर हो जाएगा 207 डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये था आपका ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। अब अगर आप चाहते हैं ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो अब आपका डेसिमल कन्वर्ट हो चुका है। आप इससे डेसिमल टू बाइनरी, जैसा हमने पहले वीडियो में सीखा है, उससे भी आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, गुड कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए।